खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन योजना के तहत कई कदम उठा रही है। भारत सरकार के प्रयासों में कर्नाटक राज्य अहम योगदान दे रहा है। कर्नाटक में सोयाबीन का उत्पादन लगातार बढ़ा है। 2018-19 में राज्य में 2,62,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की खेती होती थी, वहीं 2021-22 में ये क्षेत्र बढ़कर 3,71,000 हेक्टेयर हो गया है। लेकिन सोयाबीन की खेती में विस्तार के बावजूद सोयाबीन के बीज हासिल करने में परेशानियां सामने आती हैं। दरअसल फसल की कटाई के समय अक्सर बारिश पड़ने से सोयाबीन के बीजों को नुकसान हो जाता है। बुआई योग्य बीजों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के माध्यम से कर्नाटक समेत कुछ राज्यों में सोयाबीन की बेमौसमी खेती को प्रोत्साहन देकर सोयाबीन के बीजों के उत्पादन का कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान के माध्यम से अगले 5 वर्षों में 44,900 क्विंटल सर्टिफाइड सोयाबीन सीड के उत्पादन का लक्ष्य है। कर्नाटक के किसानों ने बढ़ चढ़कर गर्मी के मौसम में सोयाबीन की खेती करना शुरू किया, जो उनके लिए समझदारी का फैसला साबित हुआ। बेमौसम सोयाबीन की खेती हमारे लिए बहुत लाभकारी है, इसमें हमें उत्पादन अच्छा मिल रहा है। बेमौसम सोयाबीन की खेती करने से उत्पादन में वृद्धि हुई है और बीज खराब होने की समस्या का भी समाधान मिल गया है। इससे न केवल किसानों की कृषि आमदनी में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि नई तकनीकों और उन्नत तरीकों को अपनाने का भी विश्वास मिला है। सामान्य मौसम की सोयाबीन फसल की तुलना में ये बेमौसमी सोयाबीन की फसल में पैदावार भी बेहतर थी और कीट रोग भी कम हुए। सरकार का सोयाबीन की बेमौसमी खेती का कार्यक्रम सफल साबित हुआ, जिससे बीजों का उत्पादन बढ़ रहा है और किसानों की जिंदगी संवर रही है। खुशहाल किसान देश की पहचान।